हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट व्लॉगर इन द सिटी। और गाइस, आज है 12 अक्टूबर और आज दुर्गा पूजा का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा। और आज हम लोग का प्लान है दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग का। तो हम लोग जाने वाले हैं सारे पंडाल्स घूमने, बहुत सारे पंडाल्स घूमने, जैसे मारवाड़ी पाठशाला, कचहरी चौक और उसके बीच में जो भी आ जाए। तब सालार चलना है ना पंडाल घूमने? पक्का चलोगे ना? हम लेके जाएंगे। मार्केट की चकाचौंध के बीच से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन, जो कि था मारवाड़ी पाठशाला के सामने वाला पंडाल, जहां देखने को मिलती है हमें ये मूर्ति। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बड़ी पोस्ट ऑफिस वाले दुर्गा पूजा पंडाल में, और यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं शॉर्ट्स। उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे कचहरी चौक वाले पंडाल पे, देन वापस जाएंगे मारवाड़ी पाठशाला वाले पंडाल पे। और ये मेरा कजन है सालार, आजकल ये भी छोटा मोटा ब्लॉग करने लगा है, तो आपको उसका चैनल का यहाँ पे नाम दे देंगे, उसको भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। घंटाघर से होते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन बड़ी पोस्ट ऑफिस, जिसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़ी पोस्ट ऑफिस देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और इसी बीच हमें दिखाई देती है यहाँ की प्रतिमा। कचहरी चौक पर उमड़ी हुई थी लोगों की भीड़, क्योंकि यहाँ लगा था मेला। लोटस टेंपल के तर्ज पर बनके तैयार था यहाँ का पंडाल, जिसको देखने के लिए लोगों की लगी हुई थी भीड़, और प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे श्रद्धालु। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कचहरी चौक वाले पंडाल को देखकर, और बहुत अच्छा बना है, क्योंकि दुर्गा पूजा आपका इस बार जो पंडाल बन रहा था कचहरी चौक वाला, लोटस टेंपल के थीम पे बना है। जिन लोगों ने रील देखा होगा उन लोगों को तो पता ही होगा। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस से मारवाड़ी पाठशाला की ओर। हम लोगों ने मारवाड़ी पाठशाला वाला नहीं देखा है, ये देख लिया, पोस्ट ऑफिस वाला देख लिया, और इधर वाला भी देख लिया, कचहरी चौक वाला। अब चलते हैं सीधा मारवाड़ी पाठशाला वाला देखने, वहां का जाके देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के थीम पर बना है। हमेशा की तरह तिरंगे के रंग में रंगा था हमारा घंटाघर। आप में से कितने लोगों को इसका असली नाम पता है और इसके पीछे की कहानी पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे दिखाई पड़ गया साउथ इंडियन डोसा, तो मैंने बनवा लिया एक डोसा, जिसको मैंने बड़ी चाह से खाया। डोसा खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मारवाड़ी पाठशाला की ओर। मार्केट बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था, और मारवाड़ी पाठशाला की ओर जाते ही हमारी पहली नजर पड़ती है मारवाड़ी पाठशाला के पंडाल पर, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिलहाल अभी हमें मारवाड़ी पाठशाला वाले दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर, और पीछे मेरे मूर्ति, तो आप लोगों को मूर्ति दिखाते हैं। जितना खूबसूरत पंडाल बाहर से दिख रहा था, उतना ही अंदर से भी था। यहाँ लगे झूमर ने इस पंडाल की रौनक को और चकाचौंध कर दिया था। और प्रतिमा की क्या बात की जाए, आप लोगों को देख ही सकते हैं कितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए थे। पंडाल के बाहर लगे हुए थे बहुत सारे स्टॉल्स, जहाँ मिल रहे थे भिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें, जिसको लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। इस पंडाल को देखकर लग रहा था कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर बिल्कुल यहां आ चुका है। तो गाइस, अब हम लोग मारवाड़ी पाठशाला एग्जिट कर रहे हैं, और पंडाल तो बहुत अच्छा बना है, बट भीड़ बहुत कम है, और हर साल यहां पर से निकलने में तो जगह नहीं मिलता था। अभी हम प्रॉपर ब्लॉक कर पा रहे हैं, तो भीड़ कितनी कम है आप लोग सोच ही सकते हैं। चलते हैं वापस अपने घर खलीफाबाद मार्केट होते हुए। रास्ते में हमने देखा एक और मंदिर, जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, और उसी के गेट के बाहर मिल रहे थे टेडी बेयर, बहुत ही प्यारे प्यारे टेडी बेयर। मार्केट में हर तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे, जहां बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिल रहे थे, जैसे चाट, चाउमीन और ना जाने क्या क्या। लहरी टोला के मंदिर को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, और बहुत सारे श्रद्धालु वहां आके दर्शन कर रहे थे। बरारी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पंडाल मुझे सबसे अच्छा लगा, जो की बना था आदि योगी के थीम पर अफसोस उसकी कोई फुटेज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं वहां जा नहीं पाया। एंड आई नो ये व्लॉग बहुत छोटा बना, पर कोई नहीं, ये व्लॉग हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने दुर्गा पूजा के पंडाल से ही अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि उस दिन हो रहा था भागलपुर फोटो वॉक, जो कि कल्चरल थीम पर बेस्ड था। और आपके व्लॉगर इन द सिटी को अब व्लॉगिंग करते करते हो चुका है 5 साल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।